Hello everyone. Today we will start discussing DPS number 9, and in this session we will discuss question number 1 to question number 9. Okay. So let's start with the first question. A person standing on the top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. So cliff ki height दे रखी है 171 feet, और यहाँ से 228 feet की दूरी पे इसका फ्रेंड खड़ा हुआ है एंड ही हैज टू थ्रो वन पैकेट टू हिज फ्रेंड. ओके, इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, फाइंड द स्पीड aiming at a friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? तो अगर इसे डायरेक्टली इसके पास पैकेट फेंकना है aiming at his friend, तो उसका जो velocity की direction होगी वो सीधे ऐसी होनी चाहिए, straight line, right? तो ये distance हम निकाल सकते हैं. ये distance कितना हो जाएगा? Under root of 171 स्क्वायर प्लस 228 स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा. डायरेक्टली ही हैज टू थ्रो दिस पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट हिज फ्रेंड. तो एक ही सिचुएशन बनती है कि वो स्ट्रेट लाइन, उसका जो ट्रैजेक्टरी होगा जो पैकेट का वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है. और किस स्पीड से फेंक रहा है? वेलोसिटी दे रखी है 15 फीट पर सेकेंड. So how short will the packet reach to his friend? Time पूछ रहा है. Time will be how much? Distance upon speed. Distance is 171 square plus 228 square divided by speed, 15 feet per second. This comes out to be 19 second. पीछे answer 192 feet दे रखा है. Correct it. It is 19 second. Okay. सेकेंड क्वेश्चन. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इनिशियल स्पीड इज गिवन टू बी 15 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री. विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor, and will the answer differ if the wall is 22 meter? इस पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है. यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक वॉल है. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ये बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द फ्लोर, क्या ये बॉल इस वॉल को हिट करेगी या नहीं. तो क्या करेंगे? देखो, अगर इसकी रेंज इस इंटरवल के अंदर आती है, यहाँ कहीं आती है, तब तो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी? सपोज वॉल ये है और ये बॉल है, ठीक है. अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होती है, मतलब इसकी रेंज 5 मीटर से कम है, इसके इंटरवल पे आती है, तब तो ये बॉल वॉल को डायरेक्टली हिट नहीं करेगी. लेकिन अगर इसकी रेंज 5 मीटर से ज़्यादा होती है, यहाँ कहीं आती है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस टाइप की होगी, तब ये बॉल वॉल को हिट करेगी. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी रेंज निकालना है. रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g. यू इज 225 साइन 2θ साइन 120 डिग्री बाय जी 9.8. दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर. ये वैल्यू 20 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है. 20 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब कि जो रेंज है उसकी वो यहाँ कहीं है, इतना दूर है 20 मीटर.
तो इन फर्स्ट केस द बॉल विल हिट द वॉल. ओके, बी पार्ट. बी पार्ट इज विल द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे. अगर वॉल 22 मीटर अवे है, यहाँ पे है वॉल और रेंज यहाँ तक की है, तो इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? दिस इज 20 एंड दिस इज 2 मीटर, 22 मीटर ये डिस्टेंस, ठीक है. तो अगर इसकी रेंज क्या है, 20 मीटर पे, और अगर वॉल 22 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस टाइप की होगी. तो विल इट हिट द वॉल बिफोर हिटिंग द फ्लोर? यस, इट विल हिट द वॉल बिफोर हिटिंग द फ्लोर. तो विल द आंसर विल डिफर? यस, द आंसर विल डिफर. पहले सीधे वॉल को हिट कर रही थी, अब पहले फ्लोर पे हिट करके एंड देन इट बाउंसेस बैक टू द वॉल. ओके,